एक मरतबा सूरह हम और तीन मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत करके मरहूम मौलाना डॉक्टर करवेश सादिक साहब के रूह को इशारा फरमाया। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لدينه المبين وجعلنا من المتمسكين بولاية نبيه وآله الطاهرين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا النبي المؤيد والرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين المذبوحين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم وقاتليهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صلوات الله صلى الله على محمد وآل محمد جس شخصیت کے تعلق سے یہ اصحاب ثواب کی مجلس ہے उसी शख्सियत के हवाले से अवलन दो बातें फिर कलाम का आगाज़। इसलिए कि मेरा बयान इस वक्त का आप फन खिताबत वगैरह से ना देखें, एक वाक़ा अर्ज़ कर दूँ। मेरे एक मरहूम अज़ीज़ थे, बुज़ुर्ग थे, और वो जब मैं मजलिस पढ़ता था तो उसमें बताते थे कि ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो एक मजलिस के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि इतना तुम चीखते चिल्लाते क्यों हो, वैसे पढ़ो जैसे मौलाना कल्बे सादिक साहब पढ़ते हैं। तो ये अंदाज़ बयान ही उस तरह से समझाओ। दूसरी बात ये कि मैं एक खसूसी शुमारा निकाल रहा था इस्लाह का, सदी नंबर यानी 100 साल पूरे होने के ऊपर, उनसे भी मज़मून की गुजारिश की गई तो उन्होंने मज़मून ये अजमल साहब की खिदमत में अर्ज़ है, वो मज़मून उन्होंने भेजा लेकिन दो सत्रों के साथ जो मैंने शाया भी कर दिए थे, और सत्रें शाया भी हुई। उन्होंने लिखा कि मैं इस शर्त से इशाअत की इजाज़त देता हूँ कि मेरे नाम यानी सैयद कल्बे सादिक से पहले और बाद में कुछ लगाया न जाए, यानी अलकाब वगैरह न हो। तो अब जाहिर है कि उनकी रूह जब ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी तो ये गैर मुस्तहिक़ को हुज्जतुल इस्लाम मुस्लिमीन कैसे बर्दाश्त हो। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले हूँ। अब ये सरवर साहब ने अभी जो आगाज़ किया अशार का, उसमें कौम का तस्करा था तो मुनासिब यही लगा कि कौम ही के हवाले से थोड़ी देर बात की जाए, इसलिए कि जो गया है वो खादिम कौम था। इरशाद होता है कि इन्नल्लाह ला युगैरो मा बिकौमिन हत्ता युगैरो मा बिअन्फुसहिम, यानी यकीनन अल्लाह किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता है जब तक कौम खुद अपनी हालत को न बदल ले। इसका मतलब यह है कि कौम के हालात की तब्दीली होना चाहिए लेकिन अल्लाह नहीं बदलेगा। शर्त लगा दी कि उस वक्त तक अल्लाह कौम की हालत को नहीं बदलता है जब तक कौम खुद अपनी हालत को न बदल ले। तो अवलन एक सवाल मैं कर दूं अपने महबूद से बारगाह में उसकी कि महबूद जब कौम ही के ऊपर छोड़ दिया कि अपनी हालत बदले तो ये क्या फरमा रहा है तू कि उस वक्त तक कौम की हालत को नहीं बदलता है। इसका मतलब ये है कि हर तब्दीली मतलूबे परवरदिगार नहीं है, बल्कि वैसी तब्दीली होना चाहिए जो अल्लाह चाहता है। तो जब ये तब्दीली करेगा तो अल्लाह तौफीक तब्दीली देगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले।
अब यही वजह है, हवाला दे दूं मैं उसको कि जो तबीब दवार था यानी हमारे नबी हज़रत खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस तबीब दवार का सबसे बड़ा मुआविन मददगार था वो जो अमीरुल मोमिनीन मौलाए कायनात था, यानी जिसकी अगर मोहब्बत ना हो तो ना दीन है ना इस्लाम है ना हम है ना आप हैं। लिहाजा उसी की मोहब्बत के सदक़े में आज हमारा वजूद है, वही सबसे बड़ा मददगार। अब वो तबीब बेदवार है, वो कौम के लिए परेशान है। लिहाजा इस कौम को अभी जब नबी आए हैं तो कौम का वजूद नहीं है, अफराद मौजूद हैं लेकिन वो हम कौम नहीं हैं, अकीदा नहीं रखते हैं अपना, इस अकीदे पर नहीं है, नबी को मानते नहीं हैं। लिहाजा पहला काम पैगंबर ने किया कि अपने को मनवाया, यानी कलमा बाद में पढ़वाया है, अपने को पहले मनवाया है, और ये इसलिए मनवाया है कि जब मुझे मान लोगे तो कलमा भी पढ़ने लगोगे, अल्लाह को भी मानने लगोगे, आखिरत पर भी एतबार हो जाएगा। यानी पहले किरदार को तस्लीम करो, तो जो किरदार का खुदा है उसे भी तस्लीम करोगे, जो किरदार की आखिरत है उसे भी मान लोगे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वालों, अपने किरदार को मनवाया, और फिर आगे की बात, आगे का पैगाम पहुँचाया। जब लोगों ने किरदार को मान लिया, यानी ये बात आ गई एक सादिक यानी कल्बे सादिक, अब उनकी मजलिस है, तो पहला काम क्या नबी ने किया कि अपनी सिदाकत का लोहा मनवाया कि ये सादिक हैं सच्चे हैं। हर एक जब कहने लगा तब आपने इरशाद फरमाया, अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक दुश्मन है, एक लश्कर मौजूद है जो सब खून मारने वाला है यानी रात को हमला करने वाला है, तो क्या तुम मान लोगे? कहा हमने आपको सिवाय सच बोलते हुए कुछ देखा ही नहीं है, लिहाजा जो आप फरमाएंगे हम मानेंगे। तब आपने पलट कर इरशाद फरमाया कि उधर कोई दुश्मन नहीं है, तुम सबसे बड़े अपने दुश्मन हो, लिहाजा अपने अंदर तब्दीली पैदा करो, यानी उस खुदाए वाहिद को तस्लीम करो कि जिसके ऊपर अकीदा रखने के बाद तुम्हारी दुनिया व आखिरत है। तो नतीजा ये हुआ कि उन सब ने खुदाए वाहिद को तस्लीम किया, और जब कौम बन गई है तब पैगंबर इस्लाम ने तब्दीलियां पैदा कर दी, और जब तब्दीलियां पैदा कर दी तो वो हाथ जो शराब के जाम उठाने के लिए बढ़ते थे वही खुम के खुम लुढ़ाते हुए नज़र आते हैं, शराब को फेंकते हुए नज़र आते हैं। कहा कौम में इतनी तब्दीली पैदा कर दो कि जो शराब खार हो वो शराब का दुश्मन बन जाए, जो दीन का गद्दार हो वो दीन का वफादार बन जाए, जो मजहब से बेजार हो वो मजहब परस्त बनकर सामने आ जाए। सलवात पढ़ दें मोहम्मद वालों। अब कौम में तब्दीली आई तो कैसे आई? एक उस रहनुमा के जरिए से कि जिसने तब्दीली का रास्ता दिखाया। तो अल्लाह भी कह रहा है कि उस वक्त तक तब्दीली नहीं हो सकती है जब तक खुद ये तब्दीली न कर लें, तो उसके बाद अल्लाह तौफीकात से मालामाल कर देगा। अब आप देखें, अभी अगला जो महीना है वो इंकलाबी इस्लामी ईरान की 42वीं सालगिरह का है। ये 42 साल आपने सुना होगा, 32 दांतों के दरमियान में एक जबान, तो यहाँ तो 32 नहीं बल्कि सैकड़ों ममालिक के दरमियान एक मुल्क है जो बाकी है। और क़यादत का कमाल ये देखिए कि वो जो इनकलाब लाया था 10 साल उसने क़यादत की, फिर मौजूदा दौर का जो रहबर मौज़म है 32 साल से वो क़यादत कर रहा है। जब क़यादत तय्यब ताहिर और पाकीज़ा होती है, अखलास अमल होता है, बातिल मरता जाता है, हक जिंदा होता रहता है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वालों। अब जो कौम की तब्दीली का हौसला रखता हो, तो नतीजा ये हुआ कि हमने देखा इतना बड़ा इनकलाब आ गया है, कोई राइटर सामने आ जाए, कोई बहुत बड़ा मुहर्रिर सामने आ जाए, कोई बहुत बड़ा अदीब सामने आ जाए, कोई बहुत बड़ा लिखने वाला सामने आ जाए कि जो किताब लिख कर ये बताए कि इस इनकलाब की हैसियत क्या है, इसका के आबाद अरबा क्या हैं,
चारों तरफ इसके क्या क्या है, इसका मासबा क्या है, इसका मुस्तकबिल कैसा है, कोई तो तहरीर करे। लेकिन जो इनकलाब पसंद था, जो तब्दीलियों को अजीज रखता था कौम की, वो उठा और उसने एक किताब लिख दी जिसका नाम ताज सिकन रखा। और वो कौन था? वो थे डॉक्टर मौलाना कल्ब सादिक साहब। यानी उन्होंने बताया कि मुझे खुद यही अजीज है कि मेरी कौम तब्दीलियों के बाद आसमान पर उरूज पर पहुंच जाए, लिहाजा मैं खराज अकीदत पेश करता हूं उस ताज शिकन को कि जिसने ताज को पैरों के नीचे रौंद कर ये बताया कि अमामा काबिल कदर हुआ करता है, ताज काबिल कदर नहीं हुआ करता है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। जहाँ तक मेरा इल्म है, जिसने पहली किताब लिखी है वो थे डॉक्टर मौलाना कल्ब सादिक साहब। इसलिए कि एक क़यादत ने पूरी कौम को बदल दिया था, और वो क़यादत किसकी थी? वायतुल्ला खुमैनी अलैहि रहमा की। उस एक क़यादत ने पूरी कौम, पूरे मुल्क को तब्दील करके रख दिया। यानी कल हमारे वो नबी के रास्ते पर चलने वाला था, वो आशिक़ इमाम हुसैन था, वो हुब्बे अली इब्ने अबी तालिब से सरशार था। लिहाजा तब्दीलियाँ उसके मिजाज में थी कि इस कौम को बदलना है। क्या बदलना है? ये बारीक कपड़े पहनने वाली कौम, ये शराब नोशी करने वाली कौम, ये रातों को कहवा खानों को सजाने वाली कौम, ये वो कौम है कि जिसने शराब खाने तैयार कर रखे हैं। तो सही, इन सब को मैं मस्जिदों में पहुंचा दूंगा, इन सब के दरमियान इंकलाब लाऊंगा, इन सब के अंदर तब्दीलियां हो जाएंगी। अब अगर आप वहां जाएं तो चप्पे चप्पे के ऊपर शरीयत का परचम लहराता हुआ नज़र आ रहा है, और ये ऐलान करेगा अगर ये अवाम में तब्दीली आई है तो पाकि क़यादत का नतीजा है। जो जब क़यादत मुस्तहकम होती है, जब पाव को पाकीज़ा होती है, तो इनकलाब आता है। और जो इनकलाब का शैदा होता है वो ताज शिकन लिख कर बताता है। अब जब मैंने ताज शिकन लिख दिया है तो न किसी दौलतमंद से डरूंगा, न किसी ताज वाले के सामने झुकूंगा, न किसी तख्त वाले के सामने झुकूंगा। वो साफ ऐलान करेगा और बिल्कुल वाज़े तौर से ऐलान करेगा, ला शरकिया वला गरबिया, इस्लामिया इस्लामिया। यानी हमारे लिए ना अमरीका कोई मेयार है, ना रूस कोई मेयार है, हमारी निगाह में अल्लाह मेयार है। अल्लाह अकबर कह दिया है तो फिर कोई बड़ा नहीं, फकत अल्लाह बड़ा है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। तो शख्सियत परस्ती के तिलिस्म से निकालने के बाद बताया कि इनकलाब आया, और उस इनकलाब के हामी यहां बैठकर उन्होंने लिखा बेहतरीन किताब ताज शिकन। तहरीर फरमाई है हमारे मरहूम ने, बेहतरीन किताब। और इस इनकलाब के हामी हमेशा कहा करते थे, तायद किया करते थे, बातें अपनी तकरीरों में बयान किया करते थे। अब जब यहाँ की कौम का मसला आया तो कौम के दुश्मन तीन चीज़ों को बताया था, अभी दो का तस्करा हुआ है लेकिन तीन को बताया था। का एक फ़ख्र है, एक जहालत है, और एक इंतशार है। यानी वो कौम की जो फ़कीर होगी, जो मांगना जानती होगी, वो क्या तरक्की करेगी? ऐसे बन जाओ कि दूसरों तक अपना माल पहुंचाओ, लिहाजा फ़ख्र को दूर करो। इसलिए कि ये कमर को तोड़ देने वाली चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद अमीरुल मोमिनीन ने उसकी मजम्मत की है। फ़ख्र से बचो, जहल से बचो, इसलिए कि जहल सबसे बड़ी लानत है। और जब जहालत होती है तो नतीजे में हकायक को आदमी समझ ही नहीं पाता है, यानी उस तक जहन पहुंचता ही नहीं है, इसलिए कि उसके पास इल्म ही नहीं है। चुनांचे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इरशाद ग्रामी है, सुने आप इमाम हुसैन इरशाद फरमाते हैं कि इंसान जिस चीज़ से लाइल्म होता है उसका दुश्मन हुआ करता है। बस इस कुल्लिये को अगर आप देख लें तो जहाँ जहाँ भी दुश्मनी नज़र आएगी वहाँ इल्म की कमी नज़र आएगी। लिहाजा जब आलिम हो जाएगा तो गहराइयों को जानने वाला होगा। अगर मैं जाहिल हूँ तो अस्करी हाल के आगे बढ़ने के बाद बिनाई कमज़ोर है, किसी नाली में पैर चला जाएगा।
और अगर मुझे मालूम है कहाँ नाली है कहाँ सही रास्ता है तो बचता हुआ निकल जाऊँगा। मालूम ही होता है जहालत गढ़े में गिरा दिया करती है, इल्म इंसान को उठा लिया करता है। चलो आप पढ़ दे मोहम्मद वाला। अभी तस्करा अस्करी हाल में आप मजलिस कर रहे हैं, सुने आप तो जो दें, अस्करी हाल के अंदर मजलिस है। बहुत कदरदान थे वो खतीब आज़म मौलाना गुलाम अस्करी साहब क़िबला के, चुनांचे उन्हीं के खानवादे ने सबसे पहला दफ्तर कहाँ कायम हुआ, जौहरी महल्ले में। तो आप ये ना कहें कि फ़कत वो दुनियावी तालीम के मुरव्वीज थे, नहीं बल्कि दीनी तालीम। बस ये देख रहे थे दीनी तालीम का परचम उसने उठा लिया है जो दीन में माहिर है, लिहाजा दुनियावी तालीम का परचम वो उठा ले कि जो दुनियावी तालीम में माहिर है। तो फ़कत यही बात थी कि मौलाना गुलाम अस्करी साहब के पास इल्मे दीन ज़्यादा था, लिहाजा दीन की तालीम का परचम उठा लिया, उसको फ़रोग़ दिया। इनके पास दुनियावी इल्म था और दीनी इल्म भी था, दोनों थे, यानी सुल्तान मदारिस के भी पढ़े हुए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के भी फारिग तहसील, लिहाजा उन्होंने ये परचम उठाया और एक पैगाम दे दिया कि अगर तुमने फ़कत एक इल्म को अपनाया तो नतीजे में जालिम ताकत का मुकाबला नहीं कर पाओगे, लिहाजा ज़रूरत यह है जदीद इल्म को हासिल करो। और शायद यही तो वजह है कि जब उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ईरान एटम बम बना रहा है, इन्होंने क्या कहा कि हम एटम बम नहीं बना रहे हैं बल्कि बिजली बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी जो भी दुश्मन इंसानियत होगा वो एटम बम बनाएगा और जो घरों को रोशन करना चाहेगा, जो इंसानियत का दोस्त होगा वो बिजली जलाएगा और ये ऐलान करेगा तुम हो जो अंधेरों के नकीब बनकर आए हो, हम वो हैं जो रोशनियों के आलमबरदार बने हैं। सलवात पढ़ दें मोहम्मद। और फरमाते जाएं वक्त के अंदर बयान होता ताकि ताखिर भी ना हो। तो ये इन्होंने दुनियावी तालीम के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दिया। और आज हमें पता चल रहा है जब हमारे नौजवान इंजीनियर और डॉक्टर बनकर उभर रहे हैं, आज जब कोरोना की वबा फैली हुई है और रूप बदल रही है, ये भी कुदरत का आप देखें कुदरत करती क्या है। वो सरजमीन यानी इंग्लैंड की सरजमीन लंदन में वैक्सीन तैयार हुई और उसी लंदन ने से ये वबा शक्ल दूसरी बदल कर उभरी। और जब ये शक्ल बदल कर उभरी है वबा, तो ये इस बात की अलामत है तुम अपनी तदबीरें करते जाओगे, हम तुम्हारी तदबीरों को नाकाम बनाते चले जाएंगे। अगर चाहते हो वबा का खात्मा हो तो खालिक़ कायनात की तरफ रुजू करो, और जब रुजू करोगे जितना अकीदा पुख्ता हो जाएगा उतना ही कामयाबी होगी। अभी कल मेरे एक दोस्त नॉर्वे से, मैं जा चुका हूँ दो मरतबा, गर्मी में भी गया सर्दियों में भी गया, बहुत ही ठंडा मुल्क। उन्होंने कल कहा कि आप लोग परेशान ना हो जाएं, लिहाजा मैं इतला दे रहा हूँ, एक हादसा हो गया। मैंने कहा क्या? कहा यहीं ओस्लो के पास, यानी नॉर्वे का दारुल हुकूमत का ओस्लो के पास तकरीबन 500 या 800 स्क्वायर मीटर के बराबर ज़मीन, यानी आधा किलोमीटर या उससे कुछ ज़्यादा, पूरी ज़मीन जिसमें मकानात बने हुए थे, 4 बजे रात में 25 फीट नीचे धस गई है। और जितने अफराद थे मकीन थे वो सब नीचे चले गए हैं, वहाँ गाड़ी भी नहीं जा सकती, हेलीकॉप्टर के ज़रिए से कुछ जानें बचाई गई हैं। और अब अगर आप रवायात को देखें तो आखिरी ज़माने में जो बातें होंगी, इतना वक्त ऐसा आ जाएगा कि तकरीबन तीन हिस्से की आबादी दुनिया से ख़त्म हो जाएगी। अब देखें आप वबा फैल रही है, फिर ज़मीन में धंसने का तस्करा है, ये इस बात की अलामत है। क्या तुमने नहीं देखा कि जो अल्लाह से टकराने वाली ताकतें हैं वो ज़मीन में धंस जाया करती हैं, लिहाजा खौफ खाओ अल्लाह को याद करो। तो ये जो इल्म होता है दुनियावी इल्म, उस इल्म की हैसियत क्या है। छोटे मामवाड़े में सेमिनार हो रहा था, मुहिए शरीयत यानी शरीयत को ज़िंदा करने वाले अल्लामा दिलदार अली गुफरा महाब की याद में, मौलाना भी मौजूद थे, बहुत से उलमा मौजूद थे।
मेरी तकरीर का मौका आया तो मैंने डॉक्टर साहब के मुझको मुतवज्जे करके एक बात अर्ज की, मैंने कहा इल्म दुनियावी इल्म के लिए आप कहते हैं बेहतरीन बात है, लेकिन अल्लाह कहता क्या है, इन्नमा यतकब्बल अल्लाहु मिनल मुत्तकीन, यानी अल्लाह साहिबान तकवा से कबूल करता है, लिहाजा जब गैर तकवा के पास इल्म जाएगा तो एटम बम बनाएगा, और जब साहिबान तकवा के पास इल्म जाएगा तो बिजली पैदा करने के आलात बनाएंगे। इस बात का सबूत है, इल्म यकीनन होना चाहिए, लेकिन जब तकवे के जेरे साया होगा तो कायनात में वैसे पैदा होंगे। जब ये अभी अभी एक साइंसदान को इसराइल ने मार डाला है ईरान के, या गुज़िश्ता साल अभी परसों बरसी होने वाली है, आप देखें ऐसा कासिम सुलेमानी, अबू मेहदी मुहंदिस, ऐसों को कत्ल किया, मार डाला गया, ख़त्म करने की कोशिश की गई, लेकिन कौम के अंदर हौसला पैदा हो गया और नतीजे में न जाने कितने साइंसदान पैदा हो गए। तो कमज़ोर नहीं किया जा सकता है, ये इल्म फ़कत वही मोतबर है कि जो तकवे के ज़ेर साया हो, लिहाजा उसका अहतमाम वो करते थे बाकायदा। उसके लिए मुझसे खुद फ़ोन किया बीमारी की हालत में कि आपसे काम है, ज़रूरी काम है, ना फरमाइए का वहाँ जो मदीनतुल उलूम है अलीगढ़ में मैंने काम किया है, यानी इंग्लिश मीडियम में दीनियात। अब देखिए क्या फिक्र जहन में आई, का उसका सरबराह कोई नहीं मिल रहा है, आप निशानदेही कर दें। मैंने निशानदेही की, अब बार बार वो कहते थे, आखिर में एक फ़ोन किया और ये वबा फैल चुकी थी, का किसी तरह से उनको बुलवा लीजिए ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में तकर्रुर कर दूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और मौत ने उनको मोहलत नहीं दी। तो इस तरह से इल्म दीन और दुनियावी इल्म, इस दोनों को तवाम यानी मिला हुआ रखा। अब उनका अंदाज़ आप देखें तो जहालत को ख़त्म करना है, जहालत के साथ साथ गुर्बत को ख़त्म करना है, तवहुमात को ख़त्म करना है। चुनांचे उन्होंने मस्जिदों में जो लोग, अब लखनऊ में कई मस्जिदें हैं जिनों की मस्जिद कही जाती हैं, अब आप सोचें जो अल्लाह से मंसूब घर हो वहाँ अल्लाह से हटकर किससे मांगा जाएगा, लेकिन जिनों से तो खुद उन्होंने अपने हाथों से जिनों के ताक भर कर तवहुमात के ख़िलाफ़ जिहाद फरमाया है और बता दिया। हकीकी आलम वही है वह कि जो तवहुमात से जंग करने के बाद हकायक को सामने लाता रहे और अल्लाह की तौहीद के तरफ लोगों को मुतवज्जे करता रहे। तो एक आम कारनामा भी अंजाम दिया, और फिर एक मंजिल वो भी आती है। मैं डर रहा हूँ कि कहीं तूले बयान ना हो जाए, दो एक वाक़ियात अर्ज कर देना चाहता था, लेकिन मुख्तसरन मैं अर्ज कर दूँ। अब देखिए कब, जब कोई कौम को ज़िंदा रखना चाहे या कौम को तरक्की देना चाहे और फिर उसे कौम ही की तरफ से कुछ सहना पड़े तो उस पर क्या गुजरती है। खुद ही हमारे नबी से आप पूछें, जो तबीब दवार बनकर आया था, यानी जिसने लोगों की आखिरत को संवारा था अपने तालीमात इलाहिया के ज़रिए से, उधर से फूल के बजाय पत्थर बरसने लगें, ओझड़ियाँ फीकी जाने लगें, तो ये इस बात की अलामत है कि अभी कौम में जहालत मौजूद है। जब इल्म आ जाएगा तो फिर उस मसले की कद्र पैदा हो जाएगी कि जो कौम की दुश्मन नहीं है बल्कि कौम में इस्लाह चाहती है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वालों को। देखिए हिम्मत शिकन नहीं थे वो, हिम्मत हमें हमेशा उनकी रही है, बाहिम्मत थे, लेकिन कहीं कहीं हिम्मत टूटी भी है, वो मैं वाक़या अर्ज़ कर दूँ, और वो कैसे वो तफसीली वाक़या, लेकिन मुख्तसरन अर्ज़ किए दे रहा हूँ। शरीयत का जहाँ मजाक उड़ने लगे, तो देखिए क्या होता है, चुनांचे इस करीब बहुत दूर नहीं है, कस्बा एक है अब बल्लामपुर में है, पहले गोंडे में था उतरौला, 13 साल तक उस छोटे से कस्बे के अंदर दो नमाज जुमा होते रहे, दो नमाज जुमा। चुनांचे अब आप देखें कि कितनी अजीब बात थी, दो दो नमाज जुमा हो रहे हैं, जाहिर है शरीयत क्या कहती है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, एक फरसक के अंदर एक ही हो गई, उससे दो नहीं हो सकते हैं, बाहर जाइए आप, यानी इबादत है ये जुमा, नमाज जुमा बेहतरीन इबादत, सैयदुल अय्याम के अंदर, जुमे के अंदर की इबादत,
लेकिन उस इबादत को अगर हुदूद के अंदर अदा करोगे तब शरीयत इजाज़त देती है। चुनांचे अगर तुमने एक फर्स्ट क्लास के अंदर दो कायम कर दिए तो सही नहीं है। फुकहा से पूछोगे तो क्या कहेंगे, वो यही कहेंगे कि जो पहले हो जाए वही सही है, यानी इससे ज़्यादा वो नहीं कहेंगे। लेकिन हकीकत क्या है, दो दो कायम हो जाना। चुनांचे जब ये सूरत हाल पेश आई तो मैं वहाँ गया, मजलिस पढ़ने के लिए गया था, और वो भी एक आली मौलाना सैयद अली साहब अल्लाह मकाम गोपालपुरी सुम्मा उतरौलवी, मैंने मजलिस पूरी इसी मौजू पर पढ़ दी। अब एक हलचल मच गई, ये क्या पढ़ दिया, ये क्या हुआ। चुनांचे जब दूसरे साल में पढ़ने गया, देखिए क्या होता है, कौम क्या कहती, जब दूसरे साल गया तो दोनों तरफ के उलमा ने मौलवियों ने यानी जो नमाज जुमा पढ़ा रहे थे दोनों तरफ का पैगाम आया कि अब की इस मौजू पर कुछ ना बोलिएगा, यानी ये ना कहिएगा बल्कि नमाज जुमा का तस्करा ही न कीजिएगा। चुनांचे फिर मैंने तस्करा किया, फिर मैंने जोर दिया, और फिर मैंने कहा कि देखिए ये दौरे हाजिर में कुछ ने कुछ उलमा ने नमाज जुमा को नाजायज़ भी कहा है, यानी गैबत इमाम में, लेकिन अब ऐसा कोई आलिम नहीं है, सिर्फ आयतुल्ला हुई थे जो कहते थे अगर शरायत के साथ अदा हो रही है तो उसमें शिरकत वाजिब है, और अब वाजिब तखीरी है, यानी जो पहुंच गया वो वाजिब की नियत से पढ़े। चुनांचे मैंने कहा कि कोई जो वाजिब नहीं है तो जब तक तनाज़ा हल ना हो जाए उस वक्त तक दोनों तर्क रखिए और फिर नमाज ज़ोर पर इक्तफा कीजिए और वहाँ से रुजू कीजिए, काम बन जाएगा। जैसे ही मैं मिंबर से नीचे उतरा सबने घेर लिया, एक पूरे हलके ने, जहाँ मैं पढ़ा था वहीं के लोग मेरे साथ क़यामगाह पर ऊपर कोठे पर पहुँच गए और उन्होंने कहा कि देखिए ये आपने जो पढ़ा ये नामुमकिन है, हम ऐसा नहीं करेंगे। और फिर एक साहब ने कहा कि अब ये आइंदा यहाँ ना आने पाए। लिहाजा जब ये सूरत हाल हुई तो आप लोगों ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, हम जब गए तो वो खुद ही फरार कर गए थे। फिर गए हम, हमने अर्ज़ किया तो अब मौलाना कलब सादी साहब जब वहाँ पहुँचे, बहुत समझाया लेकिन जब न माने तो वो शख्स की जो हालात से मजबूर नहीं होता था, उसने कहा कि अब मैं अहद करता हूँ कि इस सरजमीन के ऊपर कदम नहीं रखूँगा। अब अंदाज़ा लगाएं कि जब ये सूरत हाल पैदा हो जाए, यानी कौम पूरी तौर से जब मुसले को अपने काम करने में रुकावट उसी डाल रही हो तो नतीजा क्या होता है। उन्होंने कहा अब मैं यहाँ नहीं आऊँगा, लेकिन उसके बाद जब कोशिशें जारी रहीं और 13 साल के बाद जब एक जुमात भी अलहम्दुलिल्लाह हो रहा है, तब मौलाना उसी कायम करीब की आबादी गालिबन अम्बिया देवरिया वहाँ पहुँचे और अपने अहद को तोड़ा, यानी जब कौम मुत्तहिद होती है तो मुसले पहुँच कर उनकी ताईद और करता है, उनकी पीठ ठोकता है, और जो कौम इंतशार का शिकार हो जाती है तो मुसले का नाक कश हो जाता है। लिहाजा उन्होंने अहद किया कि मैं यहाँ नहीं दाखिल होगा। फिर यही सूरत हाल आई हुई कि जब कौम से उन्हें सही सही तौर से ताईद नहीं मिली, बहुत से मसाइल सामने आए, तो उन्होंने अहद कर लिया कि मैं कौमियात में नहीं पढ़ूँगा, ये अहद कर लिया था। चुनांचे जितने लखनऊ के जो कजिए झगड़े हुए हैं मसलिक की सुन्नी शिया वगैरह वगैरह, उनमें वो बिल्कुल जाना तर कर दिया उनकी मीटिंगों में। लेकिन कुछ लोग पहुँचे, कहा हुजूर अपनी कौम इंतशार का शिकार है, अहद को तोड़ा, देखिए कौम की तब्दीली की बात, मीटिंग बुलाई, मैं भी था यूनिटी कॉलेज के अंदर, और फिर तदबीरें सोचने लगे। मालूम ये होता है कि अगर वाकई कौम के अफराद मुतवज्जे हो जाएं तो फिर रहबर भी तवज्जो करता है, मुसले भी तवज्जो करता है। लिहाजा जब तब्दीली के इशारे हुए तो उन्होंने कहा कि हम कौम को मुतहद कराएंगे, नहीं हो पाया ऐसा, कोशिशें उन्होंने बहुत की और ये कौम मुतहद नहीं हो पाई। तो ये कलक रहता था उनको। चुनांचे आखिरी अय्याम में मैंने अर्ज़ किया कि इस वक्त कोई ऐसा बयान नहीं है कि जिसके अंदर फन खिताबत वगैरह हो, लिहाजा अब देखिए कि मैं इरा मेडिकल कॉलेज में, राज मेडिकल कॉलेज में अयादत के लिए गया, मुझे दूर से देखा और एक मरतबा एक जुमला कहा, कहा मौलाना जाविद साहब हमारी कौम तो गई। मैंने कहा नहीं आप ये ना कहिए, इसलिए कि इस कौम का निगहबान पर्दे गैब में है,
लिहाजा अफराद आते रहेंगे, लोग पैदा होते रहेंगे और ये कौम जिसे आप गई कह रहे हैं एक दिन तरक्की करेगी। इमाम ज़माना की सरपस्ती में का आप सही कहते हैं, यकीनन ऐसा ही होगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। इतना जज्बा और ललक कि उस नशिस्त में मुलाकात में उन्होंने कहा कि मैंने वसीयत ये की है कि मेरा गुस्त मौलाना एहतिशाम हुसैन साहब हैं जिन्होंने यहाँ एक जलसा भी किया था, कब वो देंगे, वो मौजूद भी थे मेरे साथ, और आकाए मेहदी मेहंदवी पूर वो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, न हो वो तो कोई और भी पढ़ा दे। अब देखिए इत्तेफाक ये है, वो पहुँचे ईरान में थे लेकिन आए, उनके दामाद का इंतकाल हो गया था, वहाँ गए थे लेकिन पहुँच गए दो दिन पहले और नमाज़ पढ़ाई उन्होंने नमाज जनाजा। तो मैंने उस वक्त कहा कि आप ये कह रहे हैं कि नमाज जनाजा अभी अल्लाह आपको इतना मौका देगा कि कई की नमाज जनाजा आप खुद पढ़ाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे हैं अगर अल्लाह इतना मौका दे दे तो मेरे सारे अधूरे काम पूरे हो जाएं और मैं अपना निशाना पूरा कर लूँ। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये जज्बा ये हौसला, चुनांचे वो कभी बैठे वक्त के पाबंद थे, वक्त का हमेशा, लेकिन इंसानियत गालिब रहती थी। चुनांचे मैंने लिखा भी है, दो वाक़यात यहाँ अर्ज कर दूँगा, यानी सब के लिए, ये पूरी कौम, ये नहीं कि फ़कत अपनी कौम के लिए तो थे ही हमदर्द थे ही, बल्कि सब के लिए उनके दिल में एक जगह थी इंसानियत। चुनांचे जब वो 30 साल के थे तो सन 1969 का सुन्नी शिया फसाद हुआ लखनऊ का। मैं भी उस वक्त बहुत छोटा था, नाजमिया में पढ़ता था, मैं भी चला जाता था देखने क्या है मंजर बाहर सड़क पे, फिर स्कूल वापस आता था, जिम्मेदार वापस बुलाते थे। महमूद नगर की मस्जिद अहले सुन्नत की, वहाँ का जो मौज़िन था वो घिर गया फसाद, जो लोग फसाद हो ही गया था, घिर गया मुखालिफ फ़िरक़े के, यानी हम इसनाशरियों के दरमियान। चुनांचे उसकी ज़िंदगी उस पर बहुत से जाने जा चुकी थी इधर इस फ़िरक़े की, लिहाजा अब ये भी सोच रहे थे इंतकाम लें, जो गलत तरीक़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब ऐसा हुआ तो ये 30 साल के नौजवान थे, जैसे उधर से गुजरे इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, फसाद ख़त्म हो, यानी वाकई जो मुसलह कौम होगा वो फसाद फैलाएगा नहीं बल्कि फसाद ख़त्म करने की कोशिश करेगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब कोई ना समझी हो, कोई ना समझ पाए तो और बात है, लेकिन देखिए इस्लाह की कोशिश की उन्होंने, गए और अंदाज का यानी दोनों हाथ अपने फैलाकर उनको छाप लिया, और जब इन लोगों ने देखा कि मौलाना आ गए हैं सब पीछे हट गए और उनकी ज़िंदगी बचा लाए। और क़ुरान क्या कहता है कि जिस शख्स ने एक नफ्स को कत्ल किया उसने गोया पूरी दुनिया को कत्ल कर दिया। उन्होंने या फ़कत अय्यन नास जमिया, और अगर एक को ज़िंदा बचा लिया तो गोया कायनात को ज़िंदगी दे दी, तो गोया फ़कत एक को नहीं बचाया था बल्कि कायनात को ज़िंदगी दे दी थी। ये पहला कमाल था। फिर उनका एक तरीक़ा था, जब से मेरी बिनाई कमज़ोर हुई, बहुत मोहसिन भी थे, बड़ा ख्याल रखते थे, बार बार आयादत के लिए भी तशरीफ़ लाए। अब जहाँ मिल जाएँ किसी प्रोग्राम में, अक्सर होता था प्रोग्राम में हम दोनों साथ हैं तकरीर करना है हमको, उनको भी, तो कहते थे आप किसके कैसे आए हैं, तो बता देते थे किसी के साथ स्कूटर पे, या तो कहते नहीं मैं आपको पहुँचाऊँगा। चुनांचे खुद अपने साथ गाड़ी में बिठा के क़यामगाह तक मस्जिद तक पहुँचा देते थे, नहीं मौका हुआ तो ड्राइवर से कहते थे। अब देखिए वक्त के पाबंद थे। अब सरफराजगंज में प्रोग्राम, वहाँ से चले गोलागंज की तरफ उनका एक प्रोग्राम, गालिबन 5 या 6 बजे वो प्रोग्राम था, और चंद मिनट रह गए थे। उन्होंने कहा मैं आपको पहुँचाऊँगा। मैंने कहा आपने आपका अहद है वक्त के ऊपर, आप प्रोग्राम में जाते हैं, लिहाजा आप जाइए, मैं किसी सवारी से चला जाऊंगा। कहा नहीं, बग़ैर पहुंचाए मैं जाऊंगा नहीं, और अपने वक्त पर मैं पहुंच जाऊंगा। चुनांचे अपने वक्त के ऊपर वो पहुंचे होंगे, वहाँ से मुझे मस्जिद पे छोड़ा और फिर चले गए। अब ये जो उनका अहद था, देखिए अल्लाह तायद कहता ये नहीं, इन अल्लाह ला युगैरु मा बिकौमिन हत्ता युगैरु मा बिअन्फुसिहिम, जब तक
قوم خود اپنی حالت نہ بدل لے, اللہ حالت نہیں بدلتا ہے. اس کا مطلب اگر یہ متوجہ ہو جائے تو اللہ خود اس کے لیے توفیقات کے دروازے کھول دیا کرتا ہے. چنانچہ مشہد مقدس کا واقعہ, زیارت کے لیے ہم لوگ گئے ہوئے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں ایک مجلس عزاء روضہ امام رضا علیہ السلام کی دوسری طرف, اور جو حضرات وہاں گئے ہیں وہ ٹریفک کا حال جانتے ہیں, مسلسل آواز آتی رہتی ہے. شام کا وقت, مغرب کے وقت ہم لوگوں نے نماز پڑھی حرم کے اندر, اب ادھر کے لیے روانہ ہوئے. گاڑیاں ہیں لیکن اتنی ٹریفک کہ پہنچنا محال, اور غالباً 8 بجے کا وقت تھا, چند منٹ رہ گئے تھے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آج آپ کا عہد ٹوٹے گا, وہ کہتے تھے کہ نہیں میں وقت پر پہنچ جاؤں گا, لیکن نہ جانے کیا ہوا, اللہ کی تائید حاصل ہوئی اور اچانک راستہ بن گیا, اور جب 8 بجنے والے تھے تو وہ جگہ پہنچ چکے تھے جہاں پروگرام ہونا تھا, وقت کے اندر پہنچ گئے. یعنی جب اللہ کی مدد کے لیے انسان آمادہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں مدد لینا ہے, عزم وہ کر لے اور اللہ مدد کرتا ہوا اس کی نظر آتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد والوں کو. تو اسی لیے قوم کے اندر تعلیم ہو, علم ہو, جہالت نہ ہو, کوئی ایسی بات نہ ہو, قوم اگر ترقی کر جائے تو اس سے بہتر کیا ہے. چنانچہ وہ علم کے سلسلے میں کتنے کالج اس نے انہوں نے کھول لیے, کتنے طلبہ سامنے آ گئے جنہوں نے ترقیاں کیں, باہر گئے, دوسرے ممالک میں نام پیدا کیا. یونٹی کالج کا نتیجہ ہمیشہ سرخیوں میں رہتا ہے, آپ اندازہ لگائیں. اس کے بعد اب اسی یونٹی کالج سے طاقت پانے کے بعد لا کالج بنا, یونٹی لا کالج جو آگے ہے وہ کالج بنا, پھر علی گڑھ کے اندر تعلیم کا مرکز بنا, الہ آباد میں بنا, اونچہار میں بنا. تو اس طرح سے انہوں نے تحریک پوری چلائی, کوشش کرتے تھے, اور لڑکیوں کے لیے پورے طور سے کوشاں تھے کہ جگہ مل جائے تو میں لڑکیوں کا کالج بھی قائم کر جاؤں. تو کیسا مسئلے جب ہمارے درمیان سے جائے تو یقیناً ایک بہت بڑا خلا ہے, اور پھر انہیں جھیلنا بھی بہت پڑا ہے. نانچے ایک بہت ہی تلخ حقیقت آخر کلام میں عرض کر دوں, اور اسے آپ سوچیں گے کیا کیا جھیلنا پڑتا ہے. چنانچہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ فکر ہوتی ہے لوگوں کی, کچھ لوگ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھے عقیدے والے ہیں, دوسرا خراب عقیدے کا ہے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں بہت اچھے عمل والے ہیں, دوسرا اچھے عمل کا نہیں ہے. دیکھنا چاہیے کہ عقیدے اور عمل میں کون مستحکم ہے. یہ توام چیزیں ہیں, یعنی ملی ہوئی چیزیں ہیں. عقیدہ اچھا ہوگا تو عمل اچھا ہوگا, عمل اچھا ہوگا تو اچھے عقیدے کا نتیجہ ہوگا, لہذا دوسرے سے جدا نہیں ہے. چنانچہ ایسا بھی موقع آیا کہ ان کے کوئی جگری دوست اس دنیا سے مثلاً چلے گئے, اب لوگوں نے کہا کہ جن کا عقیدہ صحیح نہیں ان سے ہم مجلسیں نہیں پڑھوائیں گے, اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی زد میں بھی آئے, کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں لائے, کسی نے تنقید کر دی ان کے اوپر الٹی سیدھی. تو نتیجہ یہ ہوا, خود میں گیا مجھ سے, انہوں نے کہا دیکھیے میں نے طے کیا ہے میں جواب نہیں دوں گا. مجھ سے کسی سے بحث ہو گئی, میں نے جواب دیا تو مجھ سے کہتے تھے آپ میری طریقے سے رہیے, کوئی کچھ کہتا رہے آپ اس کو جواب نہ دیجیے, نتیجے میں بات ختم ہو جائے. لہذا کبھی بھی وہ کوئی جواب نہیں دیتے تھے, بلکہ اپنی بات کہہ کر آگے نکل جایا کرتے تھے, یہ ان کا انداز تھا. گویا پوری قوم کو ایک سبق دے گئے کہ انتشار کا شکار نہ ہونا, تنازعات کا شکار نہ ہونا, آپس میں متحد رہنا. جب متحد رہو گے تب علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے ہو گے, اور اگر انتشار کا شکار ہو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ باطل تمہارے اوپر حاوی ہو جائے گا. باطل ہمیشہ چاہتا ہے انتشار کا شکار ہو جائیں, لہذا ہماری پہلی کوشش یہی ہونا چاہیے. اور یہ یاد رکھیں کہ جو محب اہل بیت اطہار ہوگا واقعی چاہنے والا ہوگا, نہ عمل کا خراب ہوگا نہ عقیدے کا خراب ہوگا. صلوات پڑھ دیں محمد والوں کو. آپ دیکھیں کتنے محب اہل بیت اطہار علیہ السلام چاہنے والے, چنانچہ ان کے اوپر حملے ہوئے, یہاں تک کہ یہ آج ہی کریں, آج ان کی نماز جنازہ اگر ایک غیر مسلک کے عالم نے پڑھا دی تو کتنے فتوے آ گئے, لوگوں نے کہا کہ خود ایک عالم نے بہت اچھی بات کہی کہ یہ فتوے تو تھوڑی طرح کے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا فتوے مطلب کوئی استفتاء کرے, کیا
क्या कहते हैं उलमाए दीन, मुफ्तियारे दीन मतीन इस मसले में हम क्या करें, इस तरह कोई सवाल ही खुद ही बयान दे दिया बिल्कुल मामूली। तो ये फतवा, अब ये हुआ लखनऊ ही में चंद साल पहले की बात, कि जिन लोगों ने कहा था वो यहाँ ना आए, वो सही अकीदा नहीं है, पहुँचे ये सूरत हाल खुद मेरी निगाहों में। आप देखिए एक अजीब चीज़, जब बातिल तस्लीम कर ले जब गैर तस्लीम कर ले। चुनांचे एक आलिम दीन है जिन्होंने, जो अभी मौजूद हैं जिंदा हैं, जिन्होंने दो जिल्दों में फतवे जमा किए हिंदू पाक के, पाकिस्तान में तो फसाद की जड़ है ही है, वहाँ फैलता रहता है फसाद। चुनांचे वहाँ के उलमा ज़्यादातर कुछ यहाँ के सब ने मसलक जाफरी वालों को काफिर करार दे दिया, फतवे हैं उसके अंदर मौजूद हैं, बाद में तो वाजिबुल कत्ल कह दिया है और उसके नतीजे में वाकयात भी हो गए हैं एक आध। तो अब ये जब दो जिल्दों में उन्होंने किताब वो मुरतब किया सियासन अशरी के बारे में फतवे, अब एक जगह ईद मिलन का प्रोग्राम है, वहाँ वो आलिम दीन वो भी बुलाए गए हैं, वो मौजूद हैं। और अब ये कमाल इनका ये देखिए कि वो ये कहते हैं कि मेरे रहनुमा हैं मौलाना कल्ब सादिक साहब, और जहाँ की वो रहनुमाई करेंगे उनके पीछे चलेंगे। इसका मतलब ये है जो काफिर कह रहा था वही इनको अपना रहनुमा बनाकर ये ऐलान कर रहा है, ये उसकी शिकस्त है, दो जिल्दों के फतवों की शिकस्त है। सलवात पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज जब फतवे आए तो खुद लोगों ने कहा कितना गलत है, ऐसा शख्स कि जो पूरी कौम के लिए, जो इत्तेहाद है, इत्तेहाद के लिए, जो इत्तेहाद बनुल मुस्लिमीन ही नहीं बल्कि इत्तेहाद के लिए कोशा रहते थे। चुनांचे बस एक वाक़ और, हिंदू हजरात उनसे भी यानी क्या हमदर्दी थी, कोई भी सताया हुआ हो उसकी मदद करने के लिए आमादा। चुनांचे मजलिस में मशगंज में मैं शरीक था, वहाँ वो भी मौजूद थे, बल्कि एक मिजाहिया जुमला भी हो गया उन्होंने, उस ज़माने में चल रहा था कि ज़्यारत के लिए ले गए थे आफाक बाकरी, तो उनका नाम आफाक हुसैन बाकरी, तो उन्होंने बाकायदा बार बार कहा कि आफाक हुसैन बाकरी जैसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कौम। जब नीचे उतरे तो मैंने एक जुमला अर्ज़ किया कि आप बाकरी ना कहा कीजिए इसलिए कि हम लोग भी बाकरी हैं। तो वो मुस्कुराए, कहने लगे मैं क्या करूं, नाम के साथ जुड़ा हुआ है तो क्या किया जाए। उन्होंने कहा आप कैसे आए हैं, मालूम स्कूटर पे किसी के साथ कहीं, कहा नहीं मैं पहुंचाऊंगा। चुनाचे बिठा लिया। अब मैंने कहा कि देखिए राजा बाज़ार की सड़क पे बहुत रश रहता है, वहाँ नहीं जा पाएगी गाड़ी, आपको ताखिर हो जाएगी, मैं यहाँ रिक्शे पर बैठ जाऊँगा। मेरी बात मान गए। जैसे ही किनारे उन्होंने गाड़ी लगवाई ड्राइवर से, मैं इसमें कि इनको देर न होने पर तेज़ी से मैंने गेट खोल दिया। उधर से स्कूटर पे दो नौजवान तेज़ी से आ रहे थे, जैसे ही गेट खुला वो टकरा गए और जो स्कूटर चला रहा था वो झूल गया हैंडल के ऊपर, स्कूटर के हैंडल के ऊपर। अब बिल्कुल हसन से रह गए हम लोग कि क्या हो गया, कहीं इसका दम तो नहीं निकल गया, क्या हो गया। पता चला कि ये दो हिंदू लड़के हैं, लेकिन क्या उनसियत थी कि देखो चाहे जिस कौम का हो इंसानियत सबसे ऊंची होती है, लिहाजा जैसे ही वो उतरे तो हम मैं भी उतरा। देखिए बिल्कुल मंदिर के सामने की बात, वहाँ के सामने कोई बात भी हो सकती थी, हमला भी हो सकता था, लेकिन अपने अज़्म जमा के साथ वो उतर गए वहाँ। किसकी मदद करना है, क्या हो गया इसको। तो मदरसतुल वाजिन लखनऊ थोड़ी दूर पर है, वहाँ के तलबा आ गए, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपकी गाड़ी से ये वाक़ा हुआ है। मैंने कहा हाँ। कहा आप लोग जाइए, हम लोग संभाल लेंगे। मौलाना से कहा आप जाइए हम संभाल लेंगे। देखिए होता यही है कि जब हादसा होता है तो जिसकी गाड़ी होती है वो फरार हो जाता है, लेकिन उन्होंने ठहर कर रुक कर ये बताया फरार वो होता है जिसके अंदर अजमे जवान नहीं होता है। जो जवान होता है वो फरार नहीं अख्तियार करता है, इसलिए कि जो कर्रार का मानने वाला हो वो कभी भी फरार अख्तियार नहीं करेगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। गए उन नौजवानों के पास, हाथ अपने हाथ से बाजू थामा, ले जाकर उसको बिठाया फुटपाथ के ऊपर, ज़रा बुलंदी पर था, फिर पूछते रहे अहवाल, और फिर मुझसे कहा कि अब आप जाइए। रक्षा कर दिया यकीन रक्षा, मुझको रुख्सत किया कि आप चले जाइए। बाद में मैंने फ़ोन किया क्या हुआ, क्या उसको लेकर गए इरा वहीं सामर्रा हॉस्पिटल।
उसका इलाज कराया। मैंने बाद में फ़ोन किया, मैंने कहा मुझे बहुत शर्मिंदगी, मेरी वजह से ऐसा हो गया। करने गलतियां तो उन लोगों के भी थी, वो तेज़ी से आ गए थे। मैंने कहा क्या हुआ, कि नहीं कुछ नहीं, मामूली एक चोट थी, मैंने उनका इलाज करा दिया है। तो जब भी कोई ऐसा मसला आ जाए, यानी इंसानियत के मसले में, ये ना देखो कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सुन्नी है, कौन शिया है। अपनी कौम का है तो अगर वो गरीब है तो गुर्बत को दूर करो, अगर जाहिल है तो जहालत को दूर करो, अगर फ़ख्र है तो फ़ख्र को दूर करो, अगर इंतशार का शिकार है तो इत्तेहाद करा दो। नतीजा ये होगा, जब ये कौम ताकतवर बन जाएगी तो वही आबरू बन जाएगी, वही इज्जत बन जाएगी हमारी। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वालों। पुख्ता अकीदे का सबूत, बस अब बात तमाम, मजलिस तमाम, आप सुन लें। आका मेहदी महदुईपुर जो नुमाइंदे हैं रहबरे मौज़म के, उन्होंने उनको वसीयत की, इन्होंने बाकायदा वसीयत की, उन्होंने ख़ुद बयान किया कि मैं जब दिल्ली में ये अस्पताल में थे, मैं गया वहाँ। आप देखें तारीख़ का भी, आप एक तारीख गुजर चुकी है, शहादत मासूम कौन है इनकी, यानी 75 दिन के लिहाज से रवायत, और दूसरी तारीख 3 जमादिल उखरा को आने वाली है, दरमियान में मजलिस में पढ़ रहा हूँ। लिहाजा उन्होंने वसीयत क्या थी बकौल उनके, कि जब मेरा जनाजा रखा हुआ हो तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मसाए पढ़े जाएं। अब कितना पुख्ता अकीदा होगा उसका कि जो हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के मसाए, उनकी फरमाइश कर रहा हो कि मसाए पढ़े जाएँ। इसलिए कि दुनिया की मज़लूम तरीन खातून थी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। आप ज़रा सोचें, और मैं कहूँगा वही मज़लूम नहीं थी, बल्कि मज़लूम तो घर वाले भी थे। आप देखें कहीं भी कोई थान्या हो जाता है, घर वाले कितना रोते हैं, मैयत निकलती है तो कितना रोते हैं। और जनाब सैयदा ने क्या फरमाया था कि अबुल हसन, जिन लोगों ने हमें सताया है वो मैयत पर आने ना पाए, रात ही में आप हनूद कीजिएगा, रात ही में गुस्ल दीजिएगा, रात ही में कफन पहनाइएगा, ये सारी वसीयतें हैं। तो जब रात की तारीकी में जनाजा उठ रहा हो तो क्या ज़ैनब को रुलाई ना आई होगी, क्या उम्मे कुलसूम ने गिरिया न किया होगा। लेकिन अल्लाह रे मज़लूमियत अपनी आवाज़ों को दबाए हुए हैं कि अम्मा की वसीयत पर अमल हो जाए, वरना अगर हम रोने लगे तो अहले मदीना मुतवज्जे हो जाएंगे, लोग आ जाएंगे। ज़्यादा सिसकियाँ हैं, आहें हैं, तड़प हैं, और सैयदा का जनाजा उठाया जा रहा है। एक तरफ जनाब ज़ैनब हैं और एक तरफ जनाब उम्मे कुलसूम हैं। अजीब आलम है, बेबसी का आलम है। जब मासूम कौनैन की शहादत वाक़ हुई है, शहादत का अजब आलम, अजीब मंज़र है। बस दो तीन मसाइब के फ़िक्रा तर्ज करूँगा और मजलिस तमाम, उनके लिए साले सवाब भी हो जाएगा। इसलिए कि उन्होंने कहा था कि मेरी मैयत पर मसाइब मासूमा पढ़े जाएँ। अगर आप देखें कि क्या सूरत हाल, जैसे ही इमाम हसन और इमाम हुसैन गए और जाकर उसके बाबा अम्मा नहीं रही, अमीरुल मोमिनीन ने अमामना उतार कर फेंक दिया। और जब गए हैं तो अजब आलम, पहुँचे हैं तो क्या देखा, सैयदा ताहिरा रहलत फरमा गई हैं। फिर आपने अहतमाम गुस्ल किया है, वो साबिर अली, इन्होंने इंतहाई सब्र किया था, जब गुस्ल देने लगे चीख मार कर रोए, किसी ने पूछा मौला ये रोने का सबब क्या, कहा ज़हरा चली गई, ये न बताया कि पसलियाँ टूट गई हैं, कितना जुल्म हो गया शहजादी पर। अजरकुम अल्लाह। चुनानचे अब मैयत को गुस्ल दिया, अब जनाजा उठा, मैयत आगे बढ़ी, इमाम हसन से पूछा बेटा ये बताओ ये कौन सी बच्ची है जो चादर में लिपटी हुई ताबूत के नीचे नीचे चल रही है, कहा ये मेरी बहन ज़ैनब है। अरे कमसिन ज़ैनब, उस वक्त इमाम ने फरमाया कि बेटा इनको वापस घर के अंदर ले जाओ, क्या वजह है, कहा ना महरम, अब तो चराग भी गुल हो चुके हैं, कहा ना महरम आवाज़ न सुने, मैं कहूँगा मौला आज घर वापस पलटा दीजिए, कम कल शाम और कूफा होगा, बाजार और गलियां होगी, ज़ैनबों में कुलसूम होगी, मनाली की निदा होगी, ये नबी की नवासियां, ये अली की बेटियां हैं। अजरकुम अल्लाह। तो जनाब ज़ैनब को पलटा तो दिया, लेकिन माहिर नफ्सियात थे। जब दूसरा दिन हुआ
तो यकीनन एहसास था बेटी अपनी माँ के लिए तड़प रही होगी, लिहाजा इमाम हसन और इमाम हुसैन को बुलाया, कहा बेटा अब आज इन बच्चियों को अपनी माँ की कब्र पर ले जाओ ताकि वहाँ रुख्सत हो, रात की तारीकी। लेकर गए हैं और इमाम हसन और इमाम हुसैन जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम को अम्मा की लहद के ऊपर ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने गिरिया किया है। अजरकुम अल्लाह। अब एक मरहला कौन आता है, जब जनाब सैयदा दफन हो चुकी हैं, अजरकुम अल्लाह, बस ये अजीब क़यामत खेज़ वाक़या। बकौल एक आलिम के, मैंने अभी किताब में नहीं देखा लेकिन एक मोतबर आलिम से सुना कि जब दफन कर चुके हैं तो दफन करके जैसे ही पलटे अमीरुल मोमिनीन तो क्या देखा, सलमान फारसी बैठे हुए ज़ारो क़तार रो रहे हैं। कहा है सलमान फारसी रोने का सबब क्या है, कहा मौला शहजादी ने एक राज बताया था और मुझसे कहा था ये राज मेरी जिंदगी में अबुल हसन से न बयान करना। कहा जल्दी बताओ वो कौन सा राज है। कहा वो राज ये है कि जब मैं गया मैंने देखा चक्कियाँ पीस रही हैं और कह रही हैं सलमान मेरी पसली टूट गई है, अरे मेरे सीने में कटक हो रही है, देखो अली को न बताना परेशान होंगे, बस अली से बर्दाश्त न हुआ। अरे बावाज़े बलन सलमान भी रो रहे हैं, अली इब्ने तालिब भी रो रहे हैं, यही मजरूह शिकस्ता लाशा जब कब्र की तरफ लेकर गए दो हाथ बुलंद हुए। आखिरी मंजर और मजलिस तमाम अजीजों, जब मैयत उतारी जाती है तो क्या होता है, खातून की मैयत है, आपने देखा होगा बाराबंकी में खातून की मैयत है, नामहरम दूर चले जाएं, वक़्त अज़ा आए मैयत को उतरवाएं, अरे यहाँ चंद बच्चे छोटे छोटे बच्चे हसन हुसैन कि जो मैयत को उठाएं कैसे, एक फ़कत अली इब्न अबी तालिब महरम और सैयदा का जनाजा, अली क्या करें, एक कब्र में उतारता है एक कब्र में लेता है, अली तन्हा है, मैयत को उठा तो लिया लेकिन कब्र में उतारे कैसे, जैसे ही करीब गए दो हाथ बुलंद हुए, ए अली लाओ मेरी अमानत को वापस कर दो। वो मौलाए कायनात से अमानत लेने वाला कौन था, वो हमारे नबी थे। शायद मौला ने कहा हो आका अरे जब सैयदा को सिपुर किया था पसलियाँ टूटी नहीं थी, कमर शिकस्ता नहीं थी, लेकिन जब मैं वापस कर रहा हूँ तो मजरूह सैयदा पसलियाँ टूटी हुई कमर शिकस्ता है। اللهم بحق محمد وانت المحمود بحق علي وانت الاعلى وبحق فاطمه وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسين وانت قديم الاحسان وبحق الحسين انت قديم الاحسان انت قبل توبتي وتغفر ذنوبي بحق محمد واله الطيبين الطاهرين معبود جو واسطہ ہے ان مصائب اور مجلس عزا کا कि हम सब के गुनाहाने सगीरा और कबीरा को माफ़ फरमा दे, हम में जो परेशान हाल हैं परेशानियाँ दूर कर दे, मरीज़ों को सेहत आजला अता हो और कोई भी मरज़ हम तक न पहुँचाए सेहत पहुँचे, कि जो वबा फैली हुई इसका खात्मा हो, हमारे अंदर जो माली हैसियत से परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर कर दे, जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं वो डॉक्टर साहब की रूह को शाद करते हुए अच्छी से अच्छी तालीम हासिल करें, यही कौम की ताकत है यही क़ुव्वत है, दूसरी बातों में न उलझाएं और न उनके वालिदैन उनको दूसरी बातों में उलझाएं, फ़क़त तालीमात के लिए तालीम के लिए उनको मुतवज्जे करें, जब अच्छे तालीम याफ्ता हो जाएंगे तो उनका भी नाम रोशन होगा और इन लड़कों बच्चों का भी नाम रोशन होगा। इसी तरह से जिन लड़कियों की शादियाँ नहीं हुई हैं शादियाँ हो जाएँ, वो भी तालीम याफ्ता हों। हम सब के सब हज व ज़ियारात के मुश्ताक रहते हैं, हमें तौफीक करामत फरमा दे हम हज व ज़ियारात से फैज़याब हों। माबूद इमाम ज़माना की फुरक़त ने हम सबको परेशान कर रखा है, लिहाजा उनके ज़ुहूर में ताजील फरमा दे, हम सब के को नासिरान इमाम ज़माना में करार दे दे, मौलाना कलब सादिक साहब की रूह को शाद फरमा दे, उन्हें मौलाए कायनात ऐसे बाबुल इल्म की बारगाह में फैज़याबी अता फरमा दे, वहाँ तक वो पहुँचें और उनके पास रह कर उनकी खिदमत करें अंजाम दें। एक बेहतरीन आलिम था जो इस दुनिया से गया है, लिहाजा
ایک ایسے عالم کی بزم میں ان کو پہنچیں کہ جس کو باب العلم کہا ہے پیغمبر نے، یقیناً اس بارداگاہ تک پہنچیں، ان کی روح کو شاد کرنے کے لیے آپ سوروں کا بھی سہارا لیں اور ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم کی روح کو شاد فرمائیں۔